दुनिया का बेस्ट शैम्पू कौन सा है, इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आपका भर भर करके प्यार आया है। एंड कमेंट आया कि बेस्ट ऑयल कौन सा है, इसके बारे में भी बताओ। सो अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, बालों में जान नहीं है, ड्राई डल फ्रीजी डैमेज्ड हेयर ब्रेकेज है बालों में, सो आपकी तलाश होगी बेस्ट हेयर ऑयल की। एंड मार्केट में अगर आप बेस्ट हेयर ऑयल ढूंढने जाओगे तो आपको एक से एक बढ़ करके बहुत अच्छे अच्छे तेल मिल जाएंगे। लेकिन जब आप वो तेल घर पे लेके आते हो ना, तो ये बात हमेशा याद रखो कि आप उस तेल के साथ लेकर के आते हो तेल में पड़े हुए प्रिजर्वेटिव्स, जो उस तेल को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए अलग से केमिकल डाले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल लॉन्ग रन में खराब हो जाते हैं। कई केमिकल्स उसके अंदर डली होती है, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक नहीं होती है। तो जो इनऑर्गेनिक तत्व होते हैं उस तेल के अंदर, जैसे कि मैंने प्रिजर्वेटिव्स का जिक्र किया, या फिर उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर होते हैं, फ्रेग्रेंस होते हैं खुशबूदार होने के लिए, ताकि तेल खुशबूदार रहे, तो आप यूज करो, आपको अच्छा लगे, आपको पल भर की खुशी तो मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीजें आपके बालों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जितने भी हीरो हीरोइन एक्ट्रेसेस ऐड करके दिखाती है टीवी में कि ये तेल लगाओ बाल इतने मोटे घने हो जाएंगे, बट रियल लाइफ में तो उनके खुद के बाल भी इतने मोटे और घने नहीं होते हैं। हम लोग जैसे जो कॉमन लोग होते हैं, जिनके रियल में सच में बाल मोटे घने होते हैं, वो सिर्फ DIY आयुर्वेदिक रेमेडीज करके या फिर उनकी जेनेटिक की वजह से होते हैं। आपका खान पान क्या है, रहने का लाइफ स्टाइल क्या है, उससे डिपेंड करता है कि आपके बालों की क्वालिटी कैसी रहेगी। एक तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, खान पान भी अच्छा नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेकार है, ऊपर से आप केमिकल वाला तेल भी लगा रहे हो, फिर तो आप अपने बालों की साक्षात आहुति दे रहे हो, है ना। सो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही दुनिया का सबसे बेस्ट हेयर ऑयल बना सकते हो। बस कुछ रेमेडी के स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप घर पे खुद से बनाओगे और उसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स केमिकल नहीं होगा, ऑर्गेनिक ऑयल होगा जो इफेक्टिव होगा। आयुर्वेदा मेंशन है किस तरीके से आप इसको बना सकते हो, लगा सकते हो। बस वही सदियों पुरानी चीज जो हम भूल गए हैं, वही आज मैं आपके साथ रिवाइज करने वाली हूँ। और क्योंकि हमारी दादी नानी यही सारे नुस्खे फॉलो करती थी, इसलिए उनके बाल पुराने समान में कितने लंबे घने, एंड एक उम्र के बाद सबके बाल सफेद हो जाते हैं। आजकल तो यंग जनरेशन के बाल इतने सफेद हो रहे हैं, लेकिन उनके बाल बुढ़ापे में जाकर के सफेद हुआ करते थे, एंड क्वालिटी काफी अच्छी हुआ करती थी यार। मेरी दादी के भी बाल बहुत अच्छे थे, उनकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी उसके बावजूद भी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो तेल लगाते थे वो घर का बनाया हुआ लगाते थे। तो चलो, बालों से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी समस्या है, तो ये DIY हेयर ऑयल जरूर बना करके ट्राई करना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, सरसों बादाम नारियल तेल सेसमे सीड ऑयल, तेल हजार तरीके के होते हैं, लेकिन उन हजारों में से जो नंबर वन अनोखा और एक नंबर हेयर ग्रोथ करने का जो तेल है ना, वो होता है प्याज का तेल, अनियन हेयर ऑयल। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन याद रहे मैं मार्केट में मिलने वाले उन अनियन ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ जिनके अंदर अनियन बहुत ही कम होता है। उसका परसेंटेज देखना, इंग्रेडिएंट लिस्ट घुमा के देखना कि उन अनियन ऑयल में कितने प्रतिशत अनियन वो डालते हैं, बहुत कम डालते हैं। नाम में बड़ा बड़ा एड्स में बड़ा बड़ा अनियन लिख देते हैं कि ये है हमारा अनियन ऑयल, ये लगाओ बाल लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। खाली नाम में अनियन ऑयल डालते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे लास्ट में अनियन होता है, वो भी कुछ परसेंट। लेकिन आप जो अभी घर पे अनियन ऑयल बनाओगे, जो मैं भी आपको बताऊंगी, उसके अंदर तो अच्छी मात्रा में अनियन का जूस होगा, ठीक है। देखो, जब भी अनियन की बात हो, इससे पहले आप ये वीडियो स्किप कर दो। अनियन ऑयल से आपको परेशानी किस बात की होती है, बदबू आती है ना, तो मैं आपको इस तरीके का अनियन ऑयल घर पे बनाना बताऊंगी जिसमें से बदबू भी नहीं आएगी। जब भी आप अनियन ऑयल बनाओ तो उसके अंदर करी लीव्स डाल दो, करी लीव्स डालने के बाद अनियन ऑयल से बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है। तो चलो, बेस्ट DIY हेयर ऑयल बनाने की विधि देखते हैं और क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होगी। सबसे पहले, जब भी आप प्याज का तेल बनाने के लिए बैठे ना, तो आप प्याज चेक करके ले, वो प्याज ले जो आप दबाओ तो अच्छे से दबे ना, सख्त हो, जो सूख चुका हो, वो वाला प्याज बेस्ट रहेगा। प्लस रेड अनियन, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ रेड अनियन यूज किया करो, क्योंकि उसके अंदर सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अगर ना मिले तो जो भी प्याज आपके घर में है वो भी आप यूज कर सकते हो। सो 4 से 5 मीडियम साइज के आपको प्याज लेने हैं। इसको अच्छी तरीके से आप चॉप कर दीजिए, छोटे छोटे हिस्से में इस तरीके से आप चॉप कर सकते हैं। आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसका रस इजिली निकल आता है। कई लोग सीधा प्याज को ऐसे पका देते हैं, लेकिन फिर रस अंदर ही रह जाता है, तो उसको अच्छे से चॉप कर लीजिए। प्याज का तेल बनाने के लिए प्याज तो अभी हमारे पास है, लेकिन कौन से तेल में बना, 2-3 ऑप्शन है। आप कोई सा भी तेल ले सकते हो, आप चाहो तो नारियल का तेल ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो, या सेसमे सीड ऑयल ले सकते हो। तीनों ही बहुत अच्छे ऑयल होते हैं। मैंने यहाँ पे नारियल का तेल यूज किया है। नारियल का तेल बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाता है आपके हेयर स्कैल्प शाफ्ट में, सो इसलिए काफी अच्छा रहता है। मोस्टली लोगों के पास ये होता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। नाउ, किसी भी DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक हो, शैम्पू हो, या तेल हो, कुछ भी बनाने के लिए ना, मैं हमेशा आपको
बोलती हूँ कि लोहे की कढ़ाई यूज किया करो। लोहे की कढ़ाई इसलिए क्योंकि जब आप कुछ भी चीज उसके अंदर पकाते हो, चाहे घर में खाना पका करके भी खाते हो, तो लोहे के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाता है आपके DIY के अंदर। सो इसीलिए यहाँ पर भी मैं लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल पैन ले सकते हो, पर कोशिश करो लोहे की कढ़ाई भी रखो। और आप धीरे धीरे नोटिस करना, जब भी आप लोहे की कढ़ाई में कुछ DIY हेयर टॉनिक बना करके लगाते हो ना अपने बालों में, तो क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है ना, तो धीरे धीरे आपके बालों को काला भी करता रहता है, लॉन्ग रन में काले हो जाते हैं बाल। साथ ही साथ इसके अंदर का आयरन कंटेंट बालों को स्ट्रेंथन भी करता है। लोहे की कढ़ाई लेनी है और आधा लीटर उसके अंदर तेल डाल दीजिएगा। उसके बाद जो कटे हुए प्याज थे वो आपको डालना है। उसके बाद एक मुट्ठी करी लीव्स लेना है। करी लीव्स हम यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि प्याज की बदबू ना आए, वो उसको सप्रेस्ड कर दे, क्योंकि करी लीव्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ को एंड प्रिवेंट करता है हेयर लॉस को। इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, प्रोटीन होता है जो स्ट्रेंथन करता है आपके बालों की शाफ को। इसके अंदर आयरन एंड विटामिन B, विटामिन C होता है जो हेल्प करता है नरिश करने में आपके स्कैल्प को एंड प्रमोट करता है हेल्दी हेयर ग्रोथ। ऑप्शनल है करी लीव्स, है तो सोने पे सुहागा, नहीं है तो स्किप कर सकते हो, फिर थोड़ी बदबू झेल लेना प्याज की। अब प्याज और करी लीव्स को अच्छी तरीके से पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तेज आंच पे मत पकाना, एकदम धीमी आंच पे पकाना और उसको चलाते रहना। तेज आंच पे कोई भी DIY कोई भी तेल शैम्पू अगर आप बनाते हो तो उसके अंदर के जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल जाते हैं, कचरा बन जाते हैं, फिर आप कचरा अपने बालों में लगाते हो जिसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। और ये बात कोई नहीं बताता है। DIY आप शॉर्ट्स में देख लेते हो, 1 मिनट की वीडियो में देख लेते हो, फट 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 इंग्रेडिएंट्स डालते हैं बनाते हो गया, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन की कमी होती है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते और आपको भी देखने की इतनी जल्दी होती है, तो फिर गलत रेमेडी बना के लगा लेते हो। तो अक्सर इसलिए DIY आप लोगों के लिए वर्क नहीं करते हैं, इसलिए लॉन्ग वीडियोस को ध्यान से सुना करो। जब प्याज और करी लीव्स की सारी गुणवत्ता ट्रांसफर हो जाए आपके ऑयल में, पक जाए 15-20 मिनट, तो गैस बंद कर दो और उसको ठंडे होने दो। मतलब 15-20 मिनट और मे बी आपका जाएगा, उसको ठंडा होने दो। जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप उसको छान लो, किसी अलग कंटेनर में अलग कर लो, जो तेल आपने बनाया और जो बच गया प्याज और करी लीव्स वो अलग कर लो। सो जो अब आपका जो तेल बना है ना, ये नेचुरल हेयर ऑयल है, नेचुरल अनियन एंड करी लीव्स ऑयल है, जो आपके बालों को पोषण देगा, स्कैल्प में मॉइस्चर देगा, बाल नहीं टूटने देगा, मजबूती देगा, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाएगा, डेंसिटी बढ़ाएगा बालों में, धीरे धीरे आपके बाल काले भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, स्मूथ होते हैं, शाइन आता है, व्हाट नॉट, बाल लंबे होंगे। ये क्यों अलग है मार्केट वाले से? मार्केट वाले में भर भर के मैंने आपको बताया ना केमिकल होता है, इनऑर्गेनिक चीजें होती है, और ये ऑर्गेनिक चीज है। ऑर्गेनिक वो जो नेचुरल तत्वों से बनाया जाए, खुद से बनाया जाए, जिसके अंदर कोई भी केमिकल्स ना हो। और इनऑर्गेनिक क्या होता है? जो बाहर लैबोरेटरी में बनाई जाती है, जिनके अंदर तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, जो इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता है, ठीक है, केमिकल द्वारा बनाया जाता है, वो सारी चीजें बाहर के तेलों में होती है मोस्टली। सारे ब्रांड्स ऐसे नहीं करते हैं, कुछ हेल्दी ऑर्गेनिक ब्रांड्स भी होते हैं, बट मोस्टली ब्रांड्स धोखा देते हैं अपने कंज्यूमर्स को, तो उनसे बी अवेयर। आप बाहर से कोई भी तेल खरीदोगे ना, उसकी कॉस्टिंग और इसकी कॉस्टिंग में फर्क होगा, ये फिर भी आपको सस्ते दाम पे पड़ जाएगा, उतना महंगा नहीं पड़ेगा अगर घर पे बनाओगे तो, क्योंकि हमने उसके अंदर वो केमिकल वाली चीजें ही नहीं डाली है, हमने तो वही डाला है जो हमारे किचन में होता है। किचन हमारी औषधि से कम नहीं होता है, औषधि का खजाना होता है हमारे किचन, सब होता है जो हमारे हेल्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वही चीजें इसके अंदर डाली है। अभी देखो रेड अनियन के बारे में कितने लोगों को पता है कि वो स्टोर हाउस है सल्फर का, एंड सल्फर से आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब इस ऑयल को अगर आप रेगुलरली लगाते हो तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक करता है, जिससे स्कैल्प पे ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, रक्त संचार अच्छा होता है, तो कोशिकाओं में जान आती है, बाल लंबे होते हैं। ये हेल्प करता है कोलाजिन प्रोडक्शन में, जिससे न्यू हेयर फॉलिकल ओपन हो जाते हैं एंड बालों की डेंसिटी अच्छी कर देता है। इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हो 3 से 4 हफ्ते के लिए। उसके बाद आपको फ्रेश बैच बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, पर 3-4 हफ्ते चल जाएगा आराम से। जब भी आपको शैम्पू करना होता है तो शैम्पू करने की 1 घंटे या 1 दिन पहले आप इस तेल को अच्छी तरीके से अपने हाथों में रब करेंगे, स्कैल्प में मसाज करेंगे। एक बार स्कैल्प में लग जाता है तो बालों की लेंथ पे टिप में अच्छी तरीके से लगा देंगे। बालों को तेल में डुबोना नहीं है, इतना ही ऑयल लगाना है जितने में आपके बालों की प्यास बुझ पाए। लबालब मत कर देना, ठीक है, अपने बालों को तेल के अंदर। बहुत सारे लोग एकदम कस कस के लगा देती है तेल, ऐसे 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 कस, तभी इतने सारे बाल टूट जाते हैं यार। बी जेंटल, बी सॉफ्ट, आप ही के बाल हैं, कोमल हैं, ऐसे तेल ना लगाएं। तेल लगाने के बाद अच्छे तरीके से बालों में कंघी करें, बालों को सुलझा लें, चोटी बना लें, सो जाएं, 1 घंटा इंतजार करें फिर हेयर वॉश कर लें, या 1 दिन इंतजार करें फिर हेयर वॉश कर लें। मैं ऐसे कभी नहीं करती कि तेल लगा लिया और 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हेयर वॉश करूं, मुझे फिर वो थोड़े बहुत ऑयलीनेस स्टिक स्टिक लगता है, मुझे पसंद नहीं। पर अगर आप उन लोगों में से जिनको तेल लगाना ही है, मतलब 10 दिन वो तेल लगा करके रखते हैं, तो थोड़ा बहुत लगाओ, ज्यादा बालों में चिपचिपाहट रहेगी तो फिर
डर्ट अट्रैक्ट होता है, सारी गंदगी अट्रैक्ट होती है, चिपक जाती है, फिर वही बिल्डअप हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, एक साइकिल है जो चलती रहती है। सो इसलिए ऑयलिंग बहुत लबलबा करके ऑयलिंग अवॉइड करें, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑयल लगाए कीजिए। सो गाइज ये है दुनिया का बेस्ट हेयर ऑयल। इसके आगे दुनिया का हर हेयर ऑयल फीका है, चाहे वो DIY वाला हेयर ऑयल हो, चाहे वो आप मार्केट से लेते हो, चाहे वो कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, दिस इज द बेस्ट हेयर ऑयल। मेरे बताए गए विधि के अनुसार अगर आपने सामग्री एकत्रित करके बना लिया, लगा लिया, कमाल हो जाएगा आपके बालों में, बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। बट हमेशा की तरह सिर्फ ऊपरी तौर पे कुछ लगाने से नहीं होता, दोनों तरफ से हमला करना होता है, ये दोनों तरफ, मतलब यहाँ भी आप खाना खिलाओ बालों को और यहाँ से खुद भी खाओ। हेल्दी डाइट फॉलो करो, घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाओ, तला हुआ बाहर का जंक फूड, फ्राइड फूड अवॉइड करो, हरी सब्जियां, ब्राइट कलर के फ्रूट्स, सिट्रस फूड खाओ, तब फर्क पड़ेगा। स्ट्रेस कम लो, नींद पूरी लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, बाय गाइस।